भीड़ तो बहुत काफी हुआ। पुलिस का जो व्यवस्था देखा जाए तो वो कैसी है? वो बहुत अच्छा। और कुछ बाहर का सामान भी देखने को मिला? सर क्या है कि मतलब आज तो सरस मेला का अंतिम दिन है, तो क्या मतलब आप सरस मेला कुछ समय पहले से लगा हुआ है, तो आप दोबारा आए कि बस आज ही आ रहे? नहीं, दोबारा आए। तो कुछ सामान देख के गए थे जो नहीं ले पाए थे, सोचे कि मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन लगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर दोबारा आना पड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी चीज़ अच्छे हैं। नहीं, पिछले साल से तो ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा है। पहले का बिक्री में आपके बहुत अंतर है, और देखने में भी पहले से भी अच्छा भी है। और क्या लगता है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल भीड़ बढ़ी है या कम हुई है? भीड़ बढ़ी है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर सरस मेला में, हम लोग का स्टॉल यहाँ बुक हो ही जाता है ऑनलाइन से, लेकिन अच्छी सेल होती है, बहुत अच्छी सेल होती है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि गांधी मैदान में लगा था सरस मेला, जिसका आज आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन होने के कारण आज पटना की भारी भीड़ आपको इस मेले में देखने को मिलेगी। आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं मेला घूमने के लिए, और मतलब मेला घूमने के लिए आए हैं और मेले का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं आप, क्या बड़े क्या बूढ़े या छोटे बच्चे आपको देखेंगे आपको मेला घूमते हुए। तो चलिए मैं चलकर अभी और भी लोगों से बातें करूँगा और उनसे पूछूँगा कि उनको मेला घूमकर कैसा लगा। जी आपको सरस मेला घूमकर कैसा लगा? हमको अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर क्या नया नया चीज़ आपको देखने के लिए मिला इस बार? बहुत देखने को मिला। जैसे? अच्छा हमको लगा। हाँ, अच्छा देखे हैं। मतलब अच्छा लगा आपको? हाँ, यहाँ घूमकर। हाँ, हाँ। और क्या लगता है कि मतलब इस बार भीड़ कितनी हुई? हाँ, भीड़ तो बहुत काफ़ी हुआ। हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी तो जैसे कि मतलब भीड़ इस बार काफ़ी हुई है, तो जिसके मद्देनजर रखते हो यहाँ पे अगर पुलिस का अगर व्यवस्था देखा जाए तो वो कैसी है? वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना देखने को मिला है कि पटना में व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है। जी हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे। जी सर, आपको मेला घूमकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे किस्म किस्म का सामान मिला जो कि जनरल मार्केट में संभव नहीं है या कॉस्टली में होगा, लेकिन रेट का कुछ मार्केट जनरल मार्केट से तो अंतर है। और कुछ बाहर का सामान भी देखने को मिला। सर क्या है कि मतलब आज तो सरस मेला का अंतिम दिन है, तो क्या मतलब आप सरस मेला कुछ समय पहले से लगा हुआ है, तो आप दोबारा आए हैं कि बस आज ही आ रहे हैं? नहीं नहीं, दोबारा आए। दोबारा आए? दोबारा आए। हाँ। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब पिछले सरस मेला तो हर एक साल लगती है, तो पिछले साल के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस साल कैसी भीड़ भाड़ रही? भीड़ भाड़ तो काफ़ी रहा, अच्छा रहा, उसमें कोई दो मत नहीं है। पिछली बार जो आए थे उसमें कुछ सामान देख के गए थे जो नहीं ले पाए थे, सोचे कि मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन लगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर दोबारा आना पड़ा लेने के लिए। तो चलिए चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। जी यहाँ पर और भी मतलब लोग मुझे मिले हैं, मैं इनसे बातें करूँगा कि इन्हें मेला घूमकर कैसे लगा। मैम सरस मेला घूमकर आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी चीज़ अच्छे हैं। इस बार क्या कुछ नया आपको देखने को मिला सरस मेला में? सब तो वैसा ही है। नहीं, पहले और क्या है। वैरायटीज बहुत मिले हैं कहीं ना कहीं। मैम क्या लगता है पिछले साल से इस साल जो मतलब भीड़ देखी गई तो उससे ज़्यादा है या फिर कम है? नहीं, पिछले साल से तो ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा है। और सामान भी बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे लगे। तो ये तो हो गई जो आई हैं घूमने के लिए, और जो यहाँ पे स्टॉल लगाए मैं उनसे भी बातें करूँगा कि इस बार उनका बिजनेस कैसा रहा। जी पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पूनम देवी, हम महादेव जीवका से हैं, स्वयं सहायता समूह के हम सचिव हैं, और जानकी जीवका थी, जानकी जीवका महिला इंस्टीट्यूट है, हमारा सेंटर कोइलवर में है। जी मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ पहली बार आप स्टॉल लगा रही हैं या इससे पहले भी लगा चुकी? पहले भी लगा चुके हैं, ये मेरा दो बार हो गया। तो क्या लगता है कि पिछले बार के मुताबिक अगर देखा जाए तो आपके बिजनेस पे क्या फ़र्क आया है? बहुत फर्क अच्छा आया है आपके। जैसे क्या हुआ, अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पहले का बिक्री में आपके बहुत अंतर है, और देखने में भी पहले से भी अच्छा भी है। और क्या लगता है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल भीड़ बढ़ी है या कम हुई है? भीड़ बढ़ी है, बहुत बढ़ी है भीड़। और जो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जीविका दीदियों पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो क्या ये इस तरह का कदम उठाना उनका सही है या नहीं? बहुत सही है,
महिला लोग के जब काम धाम मिलिए जाए, अपना बैठल घर मिल जाए तो अच्छे ना है। पहले हम लोग बाहर भीतर नहीं जाते थे, और जब से हम लोग जीविका में जुड़े तब से समाज मिले, दीदी लोग से भेंट हुआ, भैया लोग से भेंट हुआ, बहुत हम लोग को अच्छा लगा, और अपना बिजनेस भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले साल से इस साल बिजनेस अच्छी हुई है? हाँ, बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि पिछले साल के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस साल भीड़ भी ज़्यादा थी और इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो चलिए और भी कुछ लोगों से बातें करेंगे। तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ कितना है, क्योंकि आज अंतिम दिन है सरस मेला का। तो पूरी पटना लग रही है कि एक तरह से यहाँ पर मेला घूमने के लिए आ चुकी है, और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है इस मेला को लेकर। तो जैसे कि इस बार सरस मेला में ना कि सिर्फ बिहार के, पूरे देश से के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं और अपना स्टॉल लगाए हैं। तो उसी तरह से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे ये गुजरात से आए हैं, मैं इनसे बातें करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे कपड़े देखने को मुझे मिल रहे हैं। जी मैम, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर सरस मेला में, हम लोग का स्टॉल यहाँ बुक हो ही जाता है ऑनलाइन से, लेकिन अच्छी सेल होती है, बहुत अच्छी सेल होती है। तो मैम क्या लगता है कि पिछले बार के अगर मुताबिक अगर देखा जाए तो इस साल मतलब कैसा रहा आपके लिए? पिछले साल से ज़्यादा अच्छा है इस साल। भीड़ कैसी रही? भीड़ भी अच्छी है, शुरू से बिक्री बट्टा चल रहा है। पिछली बार थोड़ा बारिश गिरने से थोड़ा सेल कम हो गई थी, लेकिन इस बार कम नहीं हुई, इस साल और बढ़ के ही है हम लोग को। तो मतलब आप खुश हैं? हम लोग खुश हैं, सेल होती है तो कौन नहीं खुश होता है सर। इतना दूर से आते सब सामान, वहाँ से गुजरात से हम लोग लेके आते तो हम लोग को बचत का भी देखना पड़ता है ना, सेल अच्छी होती तो खुश रहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ इस बार बिहार सरस मेला में बहुत तादाद में लोग आए और यहाँ पे बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हुआ, और जो सरकार के तरफ से जीविका दीदियों के लिए एक अलग से स्पेशल बंदोबस्त की जाती है, उनका भी कहना था कि इस बार काफ़ी पिछले साल के मुताबिक देखा जाए तो इस बार बिजनेस काफ़ी अच्छा हुआ। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।